हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ कला सुजीत को। आज फिर से मैं सिर पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। ठीक है, हमने फंक्शन जो है ख़त्म कर दिया है और अब हम सेट शुरू करने वाले हैं सेट। ठीक है, सेट जिसका हिंदी होता है समुच्चय। ठीक है, ठीक जिस प्रकार से हमने फंक्शन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है और हमें आशा है कि आपको उससे सारे क्वेश्चन बन गया होगा। मैं बहुत अच्छे अच्छे उसमें कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रिक भी दिया था तो उसको बना दिए होंगे। और आज हम बताने वाले हैं सेट, और जो उम्मीद रहती है वो भी इस चैप्टर में भी होगा कि हम कॉन्सेप्ट अच्छे दें और इसके साथ में ट्रिक दें। तो ट्रिक यही रहेगा कि जो सेट जो होता है वेन डायग्राम से सारा मैथ आप बना सकते हैं। मैं वेन डायग्राम का ट्रिक दूंगा और उससे सारा मैथ बना सकते हैं वेन डायग्राम से। हालांकि मैं डिराइव करके मैं वेन डायग्राम से सूत्र भी लाऊंगा। जो भी सूत्र जो आप याद करते हैं ना उसको मैं वेन डायग्राम से हम निकाल करके आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि आखिर सेट है क्या। ठीक है, सेट से आपकी अब डर खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको छूट जाएगा सेट से। ठीक है, कितना से बड़ा बड़ा क्वेश्चन क्यों हो। देखिए, सेट है, सेट हम किसको कहेंगे। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है वह वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब वस्तुओं का वैसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो। ठीक है, वस्तुओं का कैसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो। तो यह प्रश्न उठता है कि सुपरिभाषित हम किसको कहेंगे, सुपरिभाषित हम किसको कहेंगे। तो थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद हम बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा उनसे पहले जो पॉइंट है उसको बता देने का मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम सुपरिभाषित बताते हैं। ठीक है, तत्काल समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, सुपरिभाषित का मतलब होता है जो समय जगह और स्थान के अनुसार ना बदलता हो उसको हम कहते हैं सुपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, समय स्थान और जगह के अनुसार ना बदलता हो। अगर आपसे अगर कह दिया जाए कि विश्व के तीन सबसे अमीर व्यक्तियों का समुच्चय बताओ तो क्या इसको हम सेट कहेंगे, नहीं कहेंगे। ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं वेल डिफाइंड है, क्योंकि हो सकता है कि अभी जो व्यक्ति विश्व में तीन व्यक्ति जो है या पांच व्यक्ति जो है वह अमीर है, बाद में आने वाला समय में हो सकता है कि वह गरीब हो जाए, उससे भी और अमीर व्यक्ति हो जाए। मतलब क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है ना, सुपरिभाषित नहीं है। सु मतलब अच्छा होता है, परिभाषित मतलब जिसके द्वारा हम समझ जाते हैं किसी चीज को। ठीक है, लिखा। तो अब देखिए, पहला नंबर हमने क्या बताया कि सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वस्तुओं का सुपरिभाषित होना चाहिए, वस्तुओं का वैसा संग्रह, वैसा संग्रह जो सुपरिभाषित होना चाहिए। मैं लिखूंगा नहीं, नहीं तो ज्यादा समय लग जाएगा। परिभाषित, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित। ठीक है, तो फिर एक और सेट लिख रहे हैं। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए कि जो भी सेट होता है ना वह हमें उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसा कि अगर मान लिया जाए कि वर्णमाला क्या है, अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट में जो स्वर्ण का जो समुच्चय हम लिखेंगे, ठीक है, स्वर वर्ण का जिसका हम कहते हैं भवे, तो क्या हो जाएगा, तो हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे ए बराबर ए ई आई ओ टी। ठीक है, चाहे कोई भी सेट हो। अब मान लिया जाए कि इंडिकेट करना है ए बी से डी है। ठीक है, ठीक है, तो आप चाहे बी बराबर लिखिए, चाहे ए बराबर लिखिए, या सी बराबर लिखिए, डी बराबर लिखिए, ए बी सी डी की कोई भी अक्षर आप लिखिए, लेकिन क्या लिखना होगा, कैपिटल लेटर यहाँ लिखना होगा। ठीक है, और जो भी वस्तु जिस रूप में लिखा हुआ है वो पोस्टर के अंदर अपना आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि एप्पल का ही संग्रह लिखना है। ठीक है, एप्पल का ही लिखना है, तो मान लिया जाए कि हम मान लिए कि ए बराबर, तो ए बड़ी अक्षर में लिखा रहता, बड़ी अक्षर में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए रिपीटेशन है तो हम रिपीटेटिव को नहीं लिखेंगे, क्योंकि वेल डिफाइंड होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। ठीक है, तो पी और आपको यदि ऐसा लिखा हुआ है तो आप ऐसे लिख दीजिए एल और ई, नहीं तो सब अगर छोटा अक्षर में लिखा हुआ रहेगा तो छोटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, एप्पल है बना है कुछ आप लिख सकते हैं। हमने कहा है कि वस्तुओं का वैसा संग्रह जो सुपरिभाषित होना चाहिए उसको सेट। और सेट को जो है, अब तीसरा नंबर पॉइंट जानिए, दूसरा नंबर पॉइंट तो वही गया कि दूसरा नंबर हमने पॉइंट क्या बताया कि हमेशा वो एबीसीडी का कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, सेट को। और तीसरा नंबर जो पॉइंट है वह सेट जो है उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं हमेशा। इसको क्या कहते हैं, मंजिला पोस्ट में। ठीक
ठीक है। इस मंझला कोष को ही कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। इस मंझला कोष को क्या कहा जाता है? रोस्टर फॉर्म कहा जाता है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म कहा जाता है इसको। मंझला कोष्ठक से हम लोग दर्शाते हैं और इस कोष्ठक का नाम क्या है? रोस्टर फॉर्म, ठीक है, इससे हम बचा। चलिए अब देखिए चौथा नंबर पॉइंट क्या है। अगर इस सेट का इस एलिमेंट से संबंध बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? तो इसमें कोई भी आप मान लिया जाए कि ए का संबंध बताना है सेट से, ठीक है, ठीक ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको संबंध बताना है आपके परिवार से, ठीक है, उसी प्रकार से इसको संबंध बताना है। तो हम यहाँ इस एलिमेंट और इस सेट के बीच में किसका इस्तेमाल करेंगे? बिलोंग्स टू का। इसको क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू कहते हैं, बिलोंग्स टू मतलब हम इससे नाता रखते हैं, ठीक है, इससे गुजरते हैं, ठीक, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं। ए बिलोंग्स टू ए होगा तब ए होगा। मान लीजिए कि बी का संबंध बताना है तो बी बिलोंग्स टू, सी का संबंध बताना है तो सी बिलोंग्स टू, है ना, आप समझ गए। ऐसा नहीं कि आप लिख दीजिएगा फाइव बिलोंग्स टू ए, क्या फाइव इसमें है? ए नहीं है तो फाइव बिलोंग्स टू ए नहीं लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं फाइव सबसेट ए, क्योंकि जो फाइव होता है प्रत्येक सेट का उपसमुच्च होता है, ठीक है, फाइव सब में होता है। तो फाइव सबसेट ए आप लिख सकते हैं, लेकिन आप फाइव बिलोंग्स टू ए नहीं लिख सकते। अगर इसको भी आप इस तरह से अगर आप लिख दें फाइव सबसेट ए, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, यह राइट है और यह राइट है, ये रॉन्ग, ठीक है। और यदि आप ऐसे लिखना चाहते हैं ए ऊपर लिख देते हैं ए बी, ठीक है, ए बी है सबसेट ए का, तो यह जो है राइट, क्योंकि इसमें एलिमेंट है उपस्थित, तो एलिमेंट है तो आप रजिस्टर फॉर्म में सेट को लिखा ही जाता है। तो इस सेट को दर्शाने के लिए क्या कीजिएगा? तो ए बी एक सेट है तो सबसेट इस्तेमाल कीजिएगा जो ए में उपस्थित है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको आप कर दीजिएगा अन्य कोष्ट लगा दीजिएगा या फिर आप यहाँ पे बिलोंग टू का इस्तेमाल कर दीजिए, तो बिलोंग टू का ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो यह हो जाएगा आपको रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा रखते हैं तो यह हो जाएगा राइट, अगर आप ऐसा रखते हैं तो हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत, ठीक है। वैसे मैं सेट में अगर हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे मैं वैसे वैसे प्रैक्टिस सेट भी कुछ करवाऊंगा, एक दो वीडियो में प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसको इस टाइप का रख सकते हैं, ठीक है। फाइव बिलोंग्स टू ए, फाइव बिलोंग्स टू ए नहीं हो सकता, ठीक है, फाइव सबसेट ए हो सकता है। अगर फाइव को हम रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं सबसेट करवाते हैं तो भी रॉन्ग होगा, गलत होगा, ठीक है। तो देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए हमने चार पॉइंट हमने बता दिया, ठीक है। अब देखिए पांचवा नंबर जो पॉइंट है मित्रों, है ना, बिलोंग टू वाले हमने बताया चौथा पॉइंट, ठीक है, बिलोंग टू। अब पांचवा जो पॉइंट है वह है कि हमको नंबर भी ज्ञात करना रहता है कि आखिर सेट में जो एलिमेंट है उसकी संख्या क्या है। एलिमेंट मतलब अवयव होता है, उस अवयव की संख्या क्या है, एलिमेंट की संख्या क्या है। तो इसके लिए हम एन ऑफ ए हम इस टाइप का इंडिकेट करते हैं। तो एन ऑफ ए बराबर कितना है? एक दो तीन चार एलिमेंट है, ठीक है, चार एलिमेंट। उसी प्रकार से जब भी सबसेट दिया हुआ है, बी दिया गया है तो एन ऑफ बी बराबर इतना, ठीक है, इस टाइप का हम लिख सकते हैं। तो हमने बताया इस सेट के बारे में, हमने समझाया, ठीक है। अब मैं आपसे आपको मैं समझाता हूँ सुपरिभाषित क्या है, ठीक है, सुपरिभाषित है वास्तव में क्या, मैं उसको समझाने वाला हूँ। तो देखिए सुपरिभाषित हम किसको कहेंगे? सुपरिभाषित हम किसको कहते हैं? सुपरिभाषित हम उसको कहेंगे मित्रों जो समय स्थान और जगह के अनुसार चेंज नहीं होता, उसको क्या कहेंगे? सुपरिभाषित कहेंगे, वेल डिफाइंड कहेंगे। अगर आपको अगर कह दिया जाए कि भारत के प्रथम तीन प्रधानमंत्री का समय, या आपसे कह दिया जाए कि भारत के प्रथम पांच राष्ट्रपति का समय,
ठीक है, भारत के प्रथम पांच राष्ट्रपति का समूह अगर आपसे कर दिया जाए तो क्या कहेगा, इसको सेट मानिए या कि नहीं मानेंगे? तो कहेगा कि इसको सेट मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि समय के अनुसार यह क्या चेंज होगा, जगह के अनुसार चेंज होगा, स्थान के अनुसार चेंज होगा? नहीं, प्रथम पांच राष्ट्रपति का समूह है ना, इसको सेट हम मानेंगे, क्योंकि वह बदलेगा थोड़े ना, वह प्रथम से क्या हो जाएगी, अंतिम हो जाएंगे आने वाला समय में, नहीं ना। जिस स्थान पर उनका है या ना मान के कि इतना नंबर पर ये बने थे राष्ट्रपति, उतना ही नंबर पर रहेंगे, है ना, एक फिक्स है ना। तो क्या कहेंगे, समय स्थान और जगह के अनुसार अगर चेंज नहीं होता है तो उसको कहेंगे कि वह सेट है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि विश्व के तीन खतरनाक औरतों का संग्रह, विश्व के तीन खतरनाक औरतों का संग्रह, ठीक है, तो यह क्या हुआ, इसका हम रैंकिंग नहीं कर सकते। हालांकि औरतें तो सभी खतरनाक ही होते हैं, है ना, वो पहले तो बहुत भोली भाली लगते हैं, लेकिन बाद में जब शादी हो जाता है तो उसके बाद पता चलता है, उनके पति को ही पता चलता है कि वो कहते हैं कि हमारी औरत खराब है, हमारी औरत है बड़ी ऐसा है, बहुत गलती है ऐसा, है ना, तब खतरनाक। तो इसको हम रैंकिंग नहीं कर सकते, ठीक है, कितना रैंक पर, इतना रैंक पर है, ठीक है, खतरनाक बहुत सारे सब होते हैं, ठीक है, तो इसको रैंकिंग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे आप देख लीजिए, तो हमने बताया सुपरिभाषित, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट का संग्रह, तो कॉन्सोनेंट का संग्रह तो आप लिख दीजिएगा, कॉन्सोनेंट जितना अपना लिख दीजिए, ठीक है, जो जमा स्थान पर सारा चीज़ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समय के अनुसार चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आज हम अल्फाबेट पढ़ रहे हैं एबीसीडी तो आने वाला समय में कुछ दूसरा चीज़ हो जाए, ठीक है ना, आज हम पढ़ रहे हैं गंगा तो आने वाला समय कुछ दूसरा हो जाएगा, है ना। तो समय के अनुसार जो है चेंज नहीं हो पा रहा, तो क्या कहेंगे कि वह सेट हम कहेंगे, ठीक है। चलिए, हालांकि हमने सेट को या फंक्शन को, डोमेन रेंज को ऐसे समझाने के लिए हमने नंबर सिस्टम भी हमने एक वीडियो बनाया था, तो उसको यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वैसे फिर से मैं बता दे रहा हूँ और क्लियर कर देता हूँ, देखिए देखिए, क्योंकि सेट समझना है तो उसको जरूरत है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या, कहाँ से कहाँ होगा, कहा ना फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है, कौन सी गल्टन सेट है, उसको आपको पहचानना आएगा। तो देखिए, तो हम बताने वाले हैं जो फिक्स सेट है उसको हम बताते हैं। चलिए देखिए, एन बराबर मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के मतलब होता है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, हम इसको रोस्टर फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, एक दो तीन चार, और यह कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दो तीन चार पाँच छः सौ तक जाकर के रुक जाएगा, है ना, गिनती की संख्या कहते हैं नेचुरल नंबर, तो गिनती की संख्या कहते हैं तो वह कैसे से शुरू होता है, एक से होता है शुरू, लेकिन वह कहाँ तक जाएगा सो पता थोड़े नहीं, तो क्या कहेंगे उसको, हम कहेंगे कि यह जो है तो यह नेचुरल नंबर है, ठीक है। आप देखिए होल नंबर की बात, ठीक है, होल नंबर दिखाई दे रहा होगा, होल नंबर, तो होल नंबर जो होता है वह किसका समुच्चय होता है, तो उसको गिनती की संख्या में कहते हैं कि जीरो शामिल कर दो, तो जीरो शामिल कर दिए, एक दो तीन, इस टाइप का जो है इनफिनाइट तक जाएगा, क्या है इनफिनाइट तक जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक है। इस कोष्टक का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही संख्या, एक है दो है तीन है चार है, इन की एक पॉइंट दो, एक पॉइंट चार, एक पॉइंट पाँच, ये सब संख्या नहीं होती। अगर कोष्टक अगर ऐसा रहता, छोटा कोष्टक रहता, तो उसके बीच के भी संख्या होगा, जैसे एक पॉइंट वन, एक पॉइंट दो, एक पॉइंट जीरो, एक पॉइंट पाँच, ऐसा बहुत सारे संख्या हो सकता है, अनंत हो सकता है। एक से दो के बीच में अगर आपको ऐसा कोष्टक इस्तेमाल कर दिया जाए तो एक से दो के बीच में तनी मनी संख्या होगा, पॉइंट पॉइंट करते करते, तो ये क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट हो जाता है। चलिए देखिए, तो ये इस रोस्टर फॉर्म के मतलब होता है कि सिर्फ जो संख्या हम लिख दिए बस वही संख्या रहेगा, उसके अलावा संख्याएं नहीं होगी। चलिए अब देखिए, हम बात करते हैं इंटीजर नंबर का, ठीक है, तो इंटीजर नंबर को आई या जेड से सूचित करते हैं, तो इंटीजर नंबर, तो इंटीजर्स नंबर में क्या होंगे, इंटीजर नंबर में जो होगा मित्रों वह हो जाएगा माइनस इनफिनाइट से, माइनस इनफिनाइट से चलते जाइए कम तक, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, वन, दो, तीन, इनफिनाइट तक, है ना, मतलब माइनस इनफिनाइट, नेगेटिव वाले भी होंगे, पॉजिटिव वाले भी होंगे और जीरो वाले भी होंगे, ठीक है, मतलब ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ये इंटीजर नंबर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके बीच का समय, क्योंकि इस कोष्टक को पहचानना है, 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 ठीक है। आप देखते हैं अगला नंबर, ठीक है, बहुत
हल्ला हो रहा था, आवाज आ रहा होगा, ऐसे देखिए मैं बता रहा हूँ। चलिए इंटीरियर नंबर, उसके बाद मैं बात करता हूँ अब रियल नंबर, ठीक है। आर मतलब होता है रियल नंबर, आर मतलब होता है रियल नंबर होता है, देख रहे हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या होता है, परिमेय भी आ जाएगा, परिमेय भी हो जाएगा और अपरिमेय भी होगा, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय सारी संख्याएं आ जा सकती हैं, परिमेय भी संख्या आ जाएगी और अपरिमेय संख्या आ जाएगी। मतलब कि माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट, ठीक है, जो भी संख्याएं हो, और इसको हमने छोटा कोट से दर्शाया है और उसके बाद हम इसे मंझला कोट लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि सेट के लिए तो हमको चाहिए मंझला कोष्ठक चाहिए, सेट के लिए क्या चाहिए, मंझला कोष्ठक चाहिए। तो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक, और हमने छोटा कोट लगाया है, इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर पॉइंट वाले भी संख्याएँ होगी, पॉइंट वाली संख्याएँ भी इसके अंदर हो जाएगी। जैसे कि जैसा कि देखिए, मान लिया जाए कि 1.2, 1.3, 1.001 इतना संख्या होगा ना कि गिनना पाए, मतलब अनंत है पूरा इसके बीच में। अगर इस कोष्ठक के रूप में अगर आपको रहता है 2 और 3, तो इसके बीच की संख्या इतना सारा है कि गिनना मुश्किल है ना। 2.00001 तो 0.0 इतना होगा ना कि क्या कहा जाए 2.0। चलिए ये हो जाएंगे, पॉइंट वाली संख्या भी इसमें आ जाएगी, ठीक। अब उसके बाद यदि बात किया जाए, अगर आपसे कहा जाता है आर पॉजिटिव, ठीक है, आर पॉजिटिव, इसी प्रकार से इसमें आई पॉजिटिव भी होता है और आई नेगेटिव भी कह सकते हैं। आई पॉजिटिव, आई पॉजिटिव मतलब क्या होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 हो गया और इन्फिनिट तक होगा, ठीक। अगर आई नेगेटिव कहा जाता है, इंटीजर नेगेटिव, तो माइनस इन्फिनिट से माइनस 2-1 है ना, यहाँ तक जाए, ठीक है, माइनस इन्फिनिट से माइनस 1 तक आए, ठीक है। एक 0 इंटीजर हुआ तो 0 इंटीजर में तो क्या आ जाएगा, 0 सिर्फ आ जाए, ठीक है, 0 इंटीजर। अब उसी प्रकार से उसको मिटाते हैं, जगह नहीं है, ऊपर हम थोड़ा सा बताते हैं, नीचे सर नहीं दिखाई दे रहा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आपसे पूछा जाता है आर पॉजिटिव पूछा जाता है, ठीक है, या आर नेगेटिव पूछा जाता है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या तो आप जानते ही हैं। परिमेय संख्या हम उसको कहते हैं जो पी बटा क्यू के रूप में है, ठीक है, आपको बताते हैं। जैसे परिमेय संख्या जो हुआ उसको हम क्यू से सूचित करते हैं, पहले परिमेय संख्या बताइए, तो क्यू का जो सेट होगा मित्रों वह हो जाएगा, मान लीजिए एक्स बराबर पी बटा क्यू के रूप में होंगे, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे परिमेय संख्या आप 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप का बहुत सारे संख्याएं जाएगी, ठीक है। परिमेय संख्या मतलब कहने का मतलब जो अपरिमेय संख्या नहीं है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या कौन है, तो जितना जो जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, वर्गमूल अच्छी तरह से नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये सब टाइप का जो संख्याएं होती है इसका √2 नहीं निकलती। और अपरिमेय की यदि बात किया जाए तो जैसे log x है, तो log x में जो e होता है ना, ये भी क्या है, अपरिमेय ही संख्या, ठीक है, जिसका e का वैल्यू होता है 2.718 होता है, ठीक है, 2.718। और बात रही पाई का, तो पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तीन तरह की फॉर्म पाई जाती है अपरिमेय संख्या, मोटी मोटी बात किया जाए। और इसके अलावा जो भी संख्याएं होगी वो सब कितना होते हैं, परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है, तो क्यों में होगा। तो इस टाइप का रियल नंबर की यदि बात किया जाए मित्र, तो रियल नंबर में तो हो जाएगी परिमेय अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। आप जो भी बात करते हैं मित्र, जो भी आप बात करते हैं, आपकी संख्या में, आपके दिमाग में जो भी नंबर क्रिएट होता है वो सब के सब क्या है, रियल नंबर। जो भी दिमाग में क्रिएट होता है नंबर वो सब रियल नंबर है। देखो इस रियल नंबर में ये भी संख्याएं आ जाती है, चाहे इंटीजर रहे, चाहे नेचुरल नंबर रहे, चाहे होल नंबर रहे, है ना, वो सब के सब संख्याएं आ जाती है रियल नंबर में, विदाउट इमेजिनरी नंबर, है ना। इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए। इमेजिनरी नंबर के मतलब जानते हो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर के मतलब होता है जो आयोटा वाला संख्या, ठीक है, जो √-1 से निकल करके प्राप्त हुआ, आयोटा वाला, चाहे 3i हो, 4i हो, है ना। अगर इसको आपको ऐसा लिखा हुआ है तो ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर होता है,
ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे बात बताऊंगा, ठीक है। याद करने के तो बहुत ही कम कोशिश रहती है ना, मैं ज़्यादा ही बताता हूँ कॉन्सेप्ट से जो हमेशा याद रखेंगे। चलिए तो यहाँ तक हमने बता दिए, ठीक है, इसको तो सीख गए। अगर मान लिया जाए कि आर पॉजिटिव की बात किया जाए, तो आर पॉजिटिव की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, आप शुरू कर दीजिए। अगर आर पॉजिटिव की बात किया जाए तो मैं देखो ना मिटा के बताता हूँ, हमने क्या कहा R मतलब क्या होता है, रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर में क्या हो जाएगा, जो भी सेट होंगे वो माइनस इनफिनाइट से क्या हो जाएगा, प्लस इनफिनाइट, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे R पॉजिटिव पूछ लिया जाए, ठीक है, R पॉजिटिव मतलब रियल पॉजिटिव पूछ लिया जाए, रियल पॉजिटिव नंबर यदि पूछ लिया जाए आपसे, तो आप क्या कीजिए, इसमें जो माइनस इनफिनाइट से इनफिनाइट है तो पॉजिटिव लेना, जीरो तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आ जाता है ना, तो जीरो के छोड़ करके वन से लीजिए, ठीक है। नहीं इसके बाद भी आएगा, 0.001 होगा, 0.00 बहुत सारे हो जाएंगे, तो एक काम कीजिए इसको छोटकी कोष्ठ लगा दीजिए जीरो को, है ना, जीरो को छोटकी कोष्ठ लगा दीजिए और क्या कर दीजिए, इन्फिनाइट तक कर दीजिए, ठीक है। जीरो से लेकर के इन्फिनाइट तक यदि हम लोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो का मतलब क्या है, छोड़ देना, इसका मतलब होता है छोड़ देना। देखिए हम तीनों कोष के मतलब समझाते हैं, ये क्या है बड़ी कोष, ये क्या है मझले कोष, ये क्या है छोटी कोष। अगर मान लिया जाए कि आपको एक से दो के बीच इसमें लिखा गया है, एक और दो इसमें लिखा गया है, एक और दो इसमें लिखा गया है, हालांकि हमने पिछले वीडियो में इन सारी चीज़ों का चर्चा किया, फंक्शन के भी पढ़े होंगे, जो रेगुलर व्यूअर होंगे उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस बड़े कोष्ठक का मतलब होता है कि जो संख्याएं लिखी है, इधर ए साइड क्या लिखा गया है एक, इस साइड क्या लिखा गया है दो, तो एक और दो भी संख्या हो जाएगी, और एक और दो के बीच जो भी संख्या होगा वो भी संख्या होगी, और इसका मतलब होता है एक संख्या नहीं होगी न दो संख्या होगी, बल्कि एक और दो के बीच जो भी संख्या होगा वो सब हो जाएगा। इसे 1.00001 भी होगा, 1.00001 2 पूछो आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो दो तक जाना चाहिए, ठीक है, 1.99999999 इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक और दो के अलावे, तो हमने क्या कहा, और इसका मतलब होता है सिर्फ एक और दो, मझला कोष्ठक रहेगा ना तो सिर्फ एक और दो, हमने क्या बताया सेट में, किसी कोष्ठक का इस्तेमाल करने के लिए ने बताया कि जो रहता है उतना ही सेट रहेगा, जो अंक दिया गया बस वही रहता है, ऐसा नहीं कि एक और दो के बीच नहीं होता। तो हमने क्या किया कि रियल पॉजिटिव करना है तो जीरो छोड़ देना है, तो जीरो के तो हमने इस कोष्ठक लगाने के बाद तो छोड़ दिया, और इसके बीच की संख्या जो भी हो, इन्फिनाइट देना बड़ी कोष्ठक नहीं देते, ठीक है, क्योंकि इन्फिनाइट जो होता है इससे कितना जाता है उसको पता नहीं, बड़ी कोष्ठक नहीं दे सकते, कोई लिमिट नहीं है, इसलिए लिमिट नहीं है तो इसको हम बड़ी कोष्ठक लिखकर नहीं कर सकते। अगर आपसे यदि बात किया जाए कि आर नेगेटिव, ठीक है, मतलब क्या हुआ, रियल नेगेटिव नंबर क्या हुआ, तो रियल जो नेगेटिव नंबर जो होते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा, रियल नेगेटिव में जितना नेगेटिव से अनंत तक जाता है, ठीक है, तो नेगेटिव से कहाँ तक होना चाहिए, हम जीरो को क्या करते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है, जीरो का हमको छोड़ देना होगा। इस कोष्ठक का मतलब क्या होता है कि जीरो को छोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, आर नेगेटिव हो जाए, ठीक। तो हमने समझ गया सारा जो नंबर सिस्टम था वही बता दिया, और सेट क्या है वो भी हमने बता दिया है, ठीक है, और कैसे वेल डिफाइंड होता है, सुपरभाषित होता है, सारे के सारे हमने इस वीडियो में बताया है। और कल हम बताएंगे समुच्च निर्वाण विधि, क्या हम कल बताएंगे समुच्च निर्वाण विधि, किस किस फॉर्म में सेट पाए जाएंगे, कैसे कैसे सेट को लिखी जा सकती है, किस फॉर्म में हो सकता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। यह तो अभी ट्रेलर चल रहा है, बाद में बहुत सारे चीज़ में बताऊंगा, चिंता मत लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।